हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IIFL फाइनेंस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे जो नंबर्स आपको इस स्टॉक का कैसा है और आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। साथ ही साथ टेक्निकली भी हम लोग डिस्कशन करेंगे किस लेवल पर हम लोगों को एंट्री लेना है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो फिर आपका इस स्टॉक को लेके आगे क्या प्लान होना। आप लोग जो है इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में मिल जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट अपना ओपन नहीं करवाया है या फिर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से डिस्काउंट ब्रोकर के साथ फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं IIFL शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे IIFL शेयर में तो स्टॉक फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 2% ऊपर क्लोज हुआ। ₹7.60 के ऊपर जो है स्टॉक यहाँ पे ₹7.60 जो है स्टॉक ने इंट्राडे में गेन किया। ₹408.50 पे स्टॉक जो है यहाँ पे आपको क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन। इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली लास्ट वन ईयर के हाई पे स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। बात करेंगे अगर लास्ट फाइव ईयर में तो लास्ट फाइव ईयर में स्टॉक ने तकरीबन 32% का रिटर्न दिया है। 98.8 पॉइंट का जो है स्टॉक ने गेन आपको लास्ट फाइव ईयर में किया है। तो लास्ट फाइव ईयर में ज़्यादा बड़ा इस स्टॉक में हम लोगों को वेल्थ बनता हुआ नहीं दिखा है क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी लॉन्ग करेक्शन में चला गया था, उसके बाद से वापस से स्टॉक हम लोगों को यहाँ पर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करेंगे, बट उसके बाद स्टॉक में बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिला था, वापस से हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं इसके नंबर्स के ऊपर। तो बात करते हैं नंबर्स के ऊपर। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोटर के शेयर होल्डिंग परसेंटेज पे बात करेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है दिसंबर 2019 में प्रोमोटर के पास 29.4% का होल्डिंग था। करेंटली प्रोमोटर अभी आपको तकरीबन 24.89% होल्ड कर रहा है। एक अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है बट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको एक निगेटिव होता है। कभी भी कंपनी के प्रोमोटर्स अगर कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं या फिर प्रोमोटर का वहाँ पर जो है आपको अपने शेयर्स को निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव वे में इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अगर FII की बात करेंगे तो FII 24.46% FII के पास था दिसंबर 29 में। बीच में अगर हम लोग इन बिटवीन में बात करेंगे तो कंटिन्यूसली FII ने यहाँ पे आपको सेलिंग किया, बट वापस से दिसंबर 2020 के बाद से स्टॉक में अगेन FII का भरोसा जो है आपको बढ़ता जा रहा है और करंटली अगर देखेंगे तो 25.57% जो है FII यहाँ पे होल्ड करते हैं। DII की अगर बात करेंगे तो DII एक समय के लिए कम्प्लीटली एग्जिट हो गए थे सितंबर 2020 में, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली DII का यहाँ पे होल्डिंग बढ़ रहा है और करंटली 3.41% जो है वो आपको DII के पास है। रेस्ट 46% जो है वो आपको पब्लिक के पास है। लेकिन एक और बात, इंटरेस्टिंग बात अगर देखेंगे, पब्लिक का होल्डिंग जून 2020 से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे FII और DII का होल्डिंग जो है आपको बढ़ रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो FII प्लस DII का होल्डिंग बढ़ रहा है और प्रोमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक समय के लिए डिक्लाइन जरूर हुआ था, बट वापस से हम लोगों को यहाँ पे ट्रैक आता हुआ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स के ऊपर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो प्रीवियस आपको
फाइव क्वार्टर से कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको इंक्रीज हो रहा है 1668 करोड़ का, 1798 करोड़, 1856 करोड़, 1929 करोड़, 2023 करोड़, तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट के ऊपर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 356 करोड़, 379 करोड़, 391 करोड़, 422 करोड़, और सितंबर 2022 का रिजल्ट आ चुका है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्म किया है, 538 करोड़ का प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट होता है वहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे भी स्टॉक जो है आपको यहाँ पे आप कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2020 से ही बात करेंगे तो सितंबर 2020 में 213 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके कंपेरिजन में सितंबर 2022 में विद इन टू ईयर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मोर देन आपको 50% का जंप देखने को मिल रहा है, और 397 करोड़ का प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको इस सितंबर क्वार्टर में किया है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एनपीए इस क्वार्टर में बिल्कुल भी नहीं है, प्रीवियस क्वार्टर में 2.6% का एनपीए था जो कि इस क्वार्टर में नहीं है। तो स्टॉक ओवरऑल काफी अच्छा, फाइनेंशियली भी यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और यही वजह है जो यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस में भी अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करेंगे, रेवेन्यू कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली हम लोगों को रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही रेवेन्यू के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये आपको काफ़ी अच्छी बात है, जो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है जो FII और DII का यहाँ पे आपको विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है इस स्टॉक में बढ़ता जा रहा है। अगर इस स्टॉक के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे तो 10 ईयर में स्टॉक ने 24% का प्रॉफिट किया है, 3 ईयर में 18% का प्रॉफिट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक प्राइस के CAGR की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करेंगे तो 10 ईयर्स में 29% का रिटर्न दिया है, और कंटिन्यूसली अगर 29% का CAGR कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो काफ़ी अच्छा स्टॉक अप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दे रहा है। तो फंडामेंटली आपको स्टॉक जो है एक अच्छा लग रहा है अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात करें। तो चलिए अब टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली अगर देखेंगे तो स्टॉक क्लियरली 400 के लेवल के ऊपर क्लोज जरूर हुआ है, बट यहाँ पे स्टॉक में एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस पैटर्न को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पैटर्न आपको ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, और क्लियरली यहाँ पे जैसे ही आपको नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट आता है उसके बाद से हम लोग इस स्टॉक में एक अच्छा वापस से हम लोगों को मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों का ध्यान जरूर होना चाहिए, यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे ही स्टॉक इस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम लोगों को इस स्टॉक में एक जबरदस्त स्टॉक अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। इसके साथ ही मंथली चार्ट भी क्लोज होगा मंडे के सेशन के बाद, और यहाँ पे भी हम लोगों को एक अच्छा आपको बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मंथली बेसिस पे भी दिख रहा है। तो इसी वजह से इस स्टॉक के ऊपर जो है आपका जरूर नज़र होना चाहिए। एक बार मंथली क्लोजिंग हो जाता है और नेक्स्ट वीक में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इस स्टॉक के ऊपर जो है हम लोग अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की साइड जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्लियरली यहां पे जो लास्ट स्विंग लो है 325 इस रेंज को अगर वापस से नीचे की साइड आपको ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो हम लोगों का 60-65 पॉइंट का यहाँ पे जो है आपको 60-70 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस है, और ऊपर की साइड जो है हम लोगों का यहाँ पे मिनिमम टारगेट रहेगा 150 पॉइंट का। उसके ऊपर जितना ऊपर जाता है उतना ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।